रेडमी फ़ोन म्यूज़िक प्रॉब्लम सॉल्व। गाइज, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके रेडमी के मोबाइल में एमआई के मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है म्यूज़िक का, और इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं या इस एप्लीकेशन को जब आप इसमें कोई सॉन्ग को प्ले करते हैं या म्यूज़िक को प्ले करते हैं, तो यहाँ पे वो म्यूज़िक जो है प्ले नहीं हो पाती है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, यही हम आपको इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। तो ये रही हमारी सेटिंग। सेटिंग में जैसे जाते हैं तो इस तरह से स्क्रॉल करना है, और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐप्स। तो आपको ऐप्स में क्लिक करना है। जैसे आप ऐप्स में क्लिक करेंगे तो सेकेंड नंबर में आपको दिखाई देगा मैनेज ऐप्स। मैनेज ऐप्स में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है म्यूजिक। म्यूजिक जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने म्यूजिक आ जाएगा। इसके बाद आपको मिलता है स्टोरेज। स्टोरेज पे जाएंगे, क्लियर डाटा पे जाएंगे, क्लियर कैश करेंगे, इसके बाद बैक आ जाएंगे। और बैक आने के बाद आपको क्या करना है, ऐप परमिशन में जाएंगे। ऐप परमिशन में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्टैक्ट एक्सेस फॉर दिस ऐप। तो ये अगर आपके मोबाइल में अगर डीने होगा तो आप इसे इनेबल कर देंगे। फाइल्स को भी अलाउ कर देंगे, माइक्रोफोन को अलाउ करेंगे। इन सभी को अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको दिखता है रिस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेज। इस पर क्लिक करेंगे, इसको अनचेक करके फिर से एक बार चेक कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आपको चले जाना है अपने मोबाइल के अबाउट फोन में, और यहाँ पे जाने के बाद MIUI वर्जन पे क्लिक करना है और चेक कर लेना है कि कोई इसमें अपडेट तो नहीं आया हुआ है। अगर कोई आपके मोबाइल में अपडेट आया होगा तो इसे आप अपडेट कर देंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। सबसे लास्ट यह है प्रोसेस कि आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे म्यूज़िक सर्च करना है। म्यूज़िक जैसे सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल में जो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है इसमें कोई अगर अपडेट आया होगा तो अपडेट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो ये बड़ी ही आसानी से काम करेगा और किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसका यही सॉल्यूशन है। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।